मारवाड़ी मिट्टी आप देख रहे हैं। आज है 26 सितंबर 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद माह की द्वादशी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर डराने वाली खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द आ सकता है कोरोना से भी 7 गुना खतरनाक वायरस। इससे 5 करोड़ लोगों की मौत की आशंका भी जताई गई है। और बड़ी खबर तो यह है, WHO ने इस वायरस को अभी से नाम दे दिया है। WHO ने इसे एक्स डिसीज नाम दिया है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेम केट बिंघम का कहना है कि अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। वैसे राहत की बात यह है, ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने डिसीज एक्स के आने से पहले ही इसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जितने भी जानलेवा वायरस आ रहे हैं वह जानवरों से इंसानों में आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों ने डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को काटकर यहां घर और इंडस्ट्रीज बना ली है। इसी कारण हमारा जानवरों, मच्छरों, बैक्टीरिया और फंगस से संपर्क बढ़ गया है। यानी कि जितनी भी घातक बीमारी आती है इसके पीछे क्लाइमेट चेंज मुख्य कारण माना जा रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। मनुष्य अपने फायदे के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन बीमारियां फैला रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सोमवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। आपको बता दूं, इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी भी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था और जैसे ही हिस्सा लिया तो इतिहास रच दिया। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई है वह 0 नंबर की हकदार है। इसीलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि गहलोत सरकार को हटाकर भाजपा को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग यह याद रखें कि मोदी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। यदि भाजपा सरकार आई तो पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। गठबंधन पर पीएम मोदी ने कहा, घमंडिया गठबंधन सनातन को मिटाना चाहते हैं। इससे पहले पीएम मोदी धनक्या में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी जन्म स्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं किसान कर्ज माफी को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल पहले किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के किसानों को औने पौने भाव में बाजरा बेचना पड़ रहा है। इसकी एकमात्र जिम्मेदार कांग्रेस और गहलोत सरकार है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक स्लीपर कोच में सफर किया। इस दौरान पैसेंजर से उनकी समस्याओं पर भी बात की। बड़ी बात यह है, राहुल गांधी ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह ही यात्रा की। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। सोमवार को भी राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के कई जिलों में तेज तूफानी हवाएं भी चली और 26 सितंबर यानी कि आज भी बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है और मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर से राजस्थान के अधिकांश भागों से मानसून रवाना हो जाएगा और 27 सितंबर से अगले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी और मौसम साफ रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, सीएम गहलोत का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान में अब इस साल फेस्टिवल सीजन में अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन की 1 किट एक्स्ट्रा मिलेगी। सीएम गहलोत ने सोमवार को राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के शुभारंभ अवसर पर यह ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ किस प्रकार कम किया जा सके इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए दीपावली और अन्य फेस्टिवल के मौके पर खाद्य सामग्री के 1 किट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस दौरान सीएम गहलोत ने चिरंजीवी
योजना की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना राजस्थान में है। पूरे देश के अंदर 500 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना भी राजस्थान में ही है। सीएम ने कहा कि महंगाई के इस दौर में हमने 10 गारंटी दी है, 7,80,00,000 के करीब गारंटी कार्ड हमने वितरित किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, त्योहारों के मौके पर अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन की एक किट एक्स्ट्रा मिलेगी। अच्छा, देश की एक और बड़ी खबर, आम आदमी से जुड़ी बड़ी खबर, सरकार ने तुवर दाल और उड़द दाल की कीमतों पर नियंत्रण और उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए स्टॉक लिमिट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं स्टॉक होल्डिंग लिमिट को भी रिवाइज किया है। डिपो में बड़ी चेन, रिटेल और थोक विक्रेताओं के पास स्टॉक की सीमा 200 मेट्रिक टन से घटाकर 50 मेट्रिक टन कर दी गई है। यानी कि व्यापारी अधिक मात्रा में दालों की जमाखोरी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से सोमवार को देश को बड़ी सौगात देते हुए इस बस को रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है सरकार का देश के दूसरे हिस्सों में भी हाइड्रोजन बसें चलाने का प्लान है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, हाइड्रोजन से चलने वाली बसों के कई सारे फायदे हैं। एक तो पेट्रोल डीजल गाड़ियों में प्रदूषण काफी अधिक होता है, लेकिन इससे नहीं होगा, यानी कि यह बसें पोल्यूशन भी नहीं बढ़ाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन को रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। तो यह एक देश के लिए बड़ी सुखद खबर है। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।